तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के किंग मूवी के बारे में। दोस्तों पहले बताया जा रहा था कि भाई ये 2025 में इसकी रिलीज डेट लॉक करी जाएगी, लेकिन दोस्तों अब मसाला कुछ और ही लग रहा है दोस्तों। तो गाइस 2025 से ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, अब न्यू रिलीज डेट निकल के सामने आ रही है। भाई कौन से रिलीज डेट है, इस वीडियो में बात करेंगे। कई सारी बातें किंग मूवी के बारे में करने वाले हैं, शूटिंग के बारे में बात करेंगे, लोकेशन के बारे में बात करेंगे, कई सारी अपडेट आपको देंगे। इसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने भाई को दोस्तों। तो गाइस पहले बताया जा रहा था कि भाई इसकी मूवी की शूटिंग दोस्तों अभी इसी महीने के लास्ट में स्टार्ट होगी और अक्टूबर के शुरू में दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। फिर भाई इसके 2 नवंबर को इसका टीजर आएगा, जो कि शाहरुख खान के जमीन पर डेट अनाउंसमेंट टीजर आएगा। लेकिन दोस्तों अब कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई ये मूवी 2025 से पोस्टपोन हो चुकी है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि भाई अब ये 2026 पे दोस्तों मूवी आएगी, यानी कि भाई 2025 पूरे शूटिंग में जाएगा और 2026 में इसकी रिलीज डेट दोस्तों, जो किंग मूवी के मेकर्स हैं जो दोस्तों इस तरह का मतलब सोच रहे हैं कि भाई हम 2026 ईद के मौके पर, 2026 ईद के मौके पर इस फिल्म को लाने की तैयारी चली दोस्तों, उस तरह की सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। फिलहाल दोस्तों अभी शाहरुख खान दोस्तों सुजय घोष सिद्धार्थ आनंद की तरफ से कोई भी ऐसा अभी पक्का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि भाई किंग मूवी को पोस्टपोन करते क्या। दोस्तों ये बात भी सच है कि भाई किंग मूवी की जो रिलीज डेट है, भाई लोकी कब हुई थी, लो इस तरह का अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई ये मूवी 2024 के अंदर भाई इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, 2025 में दोस्तों ये मूवी आ जाएगी। दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही थी, लेकिन भाई अब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का इसमें पैसा लगा हुआ है और भाई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की तरफ से, शाहरुख खान की तरफ से, सिद्धार्थ आनंद की तरफ से, सुजय घोष की तरफ से अभी कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया था कि भाई हम मूवी को लेकर 2025 में आ रहे हैं। और शाहरुख खान ने दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भाई किंग मूवी आएगी और ज़रूर आएगी, मेरा 6 साल से इस तरह की मैं सोच रख रहा हूँ कि भाई मेरा जो करेक्टर हो वो मेरी एज के मुताबिक हो। लेकिन दोस्तों भाई अब किंग मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है, अब देखते हैं दोस्तों किंग मूवी की क्या अपडेट आती है। अब शाहरुख खान इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि भाई किंग मूवी भाई कब आएगी। दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है 2026 ईद के मौके पर, दोस्तों ये गलत हो सकती हैं कहीं ना कहीं। तो भाई क्योंकि भाई शाहरुख खान 2 साल का गैप दोस्तों कभी नहीं मारेंगे, 2025 ही मैं दोस्तों तकरीबन अक्टूबर या सितंबर के महीने में जब जवान मूवी आई थी 2023 के अंदर, इन दिनों में भाई मूवी को रिलीज़ कर जाएगा। क्योंकि भाई शाहरुख खान भाई 2-2 साल में भी मूवी करेंगे, हो सकता है भाई मूवी ज़्यादा खास कमाल ना कर पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सब गलत है दोस्तों सोशल मीडिया पर। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है, भाई 2026 में मूवी आती है या फिर भाई 2025 में मूवी आती है। मेरे हिसाब से भाई 2025 में मूवी आएगी 100%। तो गाइस किंग मूवी की जो शूटिंग की जो अंदर से बातें पता चल रही है कि भाई बूढ़ा पोस्ट में इसकी शूटिंग रखी गई है, रखेंगे इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंस के लिए इस तरह की बातें बताई जा रही है। न्यू लोकेशन को चूज़ करा गया मेकर्स ने और इसकी शूटिंग दोस्तों सितंबर के एंड में और अक्टूबर के शुरू में दोस्तों इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी 2024 के अंदर। और 2 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन पर इसका टीजर आएगा, जिसे डेट अनाउंसमेंट टीजर बोलेंगे दोस्तों। अगर भाई ये मूवी 2026 में आएगी तो गाइस 2024 में शाहरुख खान के जन्मदिन पर तो उसका डेट अनाउंसमेंट टीजर देखकर क्या करेंगे दोस्तों। ये बात एक सवाल है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ा सवाल है, जो कि फैंस के लिए काफ़ी बड़ा सवाल होगा। बाकी जो भाई इसकी जो रिलीज डेट है वो 2025 के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सितंबर या अक्टूबर के महीने में इसकी रिलीज़ होगी 100%। कुछ गर्मी के दिन होंगे और कुछ दोस्तों सर्दी के दिन होंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो गाइस अब कई सारे लोग सोचेंगे कि भाई ईद दिवाली दिसंबर भी है, शाहरुख खान अपनी किंग को लेकर वहाँ क्यों नहीं जाते। भाई शाहरुख खान को ईद दिवाली से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर शाहरुख खान की किंग मूवी रिलीज़ हो जाए वही ईद दिवाली है फैंस के लिए, वही फेस्टिवल है। क्योंकि भाई शाहरुख खान की फिल्म दोस्तों, भाई फिल्म तो होती है भाई, साथ में फैंस के लिए एक फेस्टिवल भी दोस्तों लेकर आती है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो किंग मूवी का कंटेंट जो उसकी स्क्रिप्ट है वो ब्लॉकबस्टर बताई जा रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट है। आप एक्शन, मास, थ्रिलर और दोस्तों इमोशन भी है इस मूवी में, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि भाई स्क्रिप्ट हमेशा ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि भाई इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले सिद्धार्थ आनंद और सुजय घोष, जो कि काफ़ी तगड़े डायरेक्टर साहब है। भाई पठान मूवी सिद्धार्थ आनंद ने बनाई थी, 2 डायरेक्टर होने वाले हैं। बाकी अब शाहरुख खान का इसके अंदर जो करेक्टर होने वाला है वो डॉन 3 का होने वाला है। सॉरी दोस्तों, डॉन 3 शाहरुख खान ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भाई डॉन का करेक्टर होने वाला है, इसलिए हो सकता है भाई शाहरुख खान ने डॉन 3 को भाई यहाँ से रिजेक्ट कर दिया होगा कि भाई मैं डॉन 3 में भी डॉन बनूंगा और भाई अपनी किंग
मूवी में भाई डॉन का करेक्टर प्ले करूँगा। किंग मूवी का बीजीएम अनुरुद्ध दोस्तों यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़े दोस्तों इस टाइम बॉलीवुड का सितारा बन रहा भाई अनुरुद्ध। सलमान खान की जो मूवी आ रही है भाई सिकंदर मूवी, और दोस्तों अटली कुमार का जो मूवी आ रही है भाई उसके अंदर भी अनुरुद्ध भाई म्यूजिक ही दे रहे हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी इस मूवी का जो बजट है वो बहुत बड़ा होने वाला है, 400 करोड़ के पार इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। बाकी आप किंग मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो।